हमारे को न्यू ब्लॉग में। तो आज हम आए हुए हैं जैसलमेर। तो जैसलमेर में हम आपको बताने वाला है एक हवेली। तो हवेली का नाम है बाहरी हवेली। तो चलो गाइस विजिट करते हैं बाहरी हवेली को। राजा के गुरु जी का हवेली जिसका नाम है बाहरी हवेली। बाहरी हवेली बोलते हैं, बाप होते बच्चों बड़े बुजुर्ग को। अच्छा अच्छा। उनका ये हवेली है 450 साल पुराना हवेली। अच्छा। चार मंजिला है और ऊपर में पूरा सिटी देखेंगे, पूरा व्यू देखेंगे जी। और यहाँ की जो मतलब कला संस्कृति है ये उनको उन्होंने यहाँ सहेज के रखा है। राजाओं के गुरु जी का हवेली, जो राजा को रात लग देते थे। ये जवाहर सिंह जी अंतिम शासक, अंतिम शासक थे यहाँ के, अंतिम शासक थे और इसको पब्लिक जो मानती थी। और ये वाइट मार्बल सिंहासन मतलब पहले नहीं बना हुआ था, और उससे पहले ये सिंहासन और बना हुआ था। ये दशहरा का फेस्टिवल होता था, इस तरह का होता था दशहरा फेस्टिवल, इस तरह होता था। ये गणगौर का फेस्टिवल होता था, जिसमें शाही सवारी निकलती थी। गणगौर का, गणगौर दशहरा दोनों का। राजा जी से पुराने फोटो में एक बार जाएंगे, घूम करके वापस आएंगे, तब यहाँ बैठ करके फोटो ले सकते हो। ओके चलो फिर। हाँ जी बताइए। अब अपन पहुँच चुके हैं हवेली के अंदर जी, और यहाँ की पुरानी विरासत आपको दिखाएंगे। जैसे यहाँ कुछ चीज़ें रखी हुई है, जैसे पुराने जमाने की केतलियाँ होती थी और ये लंच बॉक्स होते थे। लंच बॉक्स ये राजाओं ने दिया है गुरु जी को गिफ्ट के रूप में। अच्छा। क्योंकि ये राजा लोग जो राजाओं के आगे पूजा यज्ञ हवन करते थे ना, तो बदले में जो भी सामग्री देते थे वो सब यहाँ पे रखी हुई है। वो यहाँ पे रखी हुई है जी, रखी हुई है। वो राजा को दी गई है, रॉयल फैमिली के द्वारा गिफ्ट दी गई है चीज़ें जो भी है। और ये है जब गेट पर ये डेकोरेशन के लिए लगाते हैं कड़ी। अच्छा। पीतल की कड़ी है ये, पीतल की कड़ी जो डेकोरेशन के लिए लगाते हैं यहाँ पे। डेकोरेशन ओनली जी, इटालियन सिल्वर जिसमें 70% सिल्वर होता है जी। और रियल सिल्वर जो 80% सिल्वर था उसमें राजा लोग खाना खाते हैं जी। और ये पत्थर का टाइल ये इसलिए लगाया बीच में क्योंकि ये वास्तुशास्त्र में अच्छा रहता, जो मैंने आपको दिखाया। केरोसिन स्टोव होते थे। ये पानी के बादले, ये सर में पानी को मतलब ठंडा रखने के लिए ऊपर कपड़ा बांधते थे जी। और ये जो मैंने आपको दिखाया ये मेडिसिन वाला गिलास है। अच्छा अच्छा। पानी रख के रात में पीते हैं। पानी की बहुत समस्या होती थी, पानी को सेव करते थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी होते थे। उसके अलावा जो जब नहाते थे, ये नहाने का स्थान है जिसको कहते हैं धोब कहते थे, नहाने धोने कपड़े का स्थान। तो यहाँ बैठ के नहाते थे, वो पानी को तकारी में एक्स्ट्रा करते थे, फिर उसी पानी को पेड़ पौधों में पक्षियों को घर निर्माण में और निर्माण में गोबर वगैरह लीपापति होती थी। पानी बहुत सेव करते थे। ये पुराने जमाने की परफ्यूम की बोतलें हैं जो राजाओं ने यहाँ पे मतलब उनके गुरु जी को दिया गिफ्ट के रूप में। पुराने जमाने की जो परफ्यूम्स वगैरह अंतर वगैरह अंतर जी। और ये है अंतर के लैंप, खुशबू वाले लैंप, जब ये जलते तो खुशबू देते हैं। अंग्रेजों के जमाने के फूलदान होते थे। अच्छा, ये जो चीज़ है अंग्रेजों के जमाने के फूलदान थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये सिस्टम पूरा पूरी पुराने जमाने का जमाने। अच्छा। और इधर में आइए, छोटे छोटे बच्चे के लिए कप, छोटे बच्चे के लिए दूध की बोतल। यहाँ से बच्चे दूध पीते थे और यहाँ से हवा क्रॉस होती थी। और ये होते थे आई क्लीनर, आँख साफ करने के लिए, इसमें गुलाब जल भर के आँख को साफ किया जाता था। छोटे छोटे बच्चों का बैलगाड़ी होती थी खेलने के लिए, उनका खिलौना होता था ये खिलौने जी। इस तरह के बड़े बड़े होते थे, मतलब आवाज आगमन के साधन होते थे। अच्छा। जो बैलगाड़ी हो, ऊंट गाड़ी हो, रेगिस्तान की तरह यही चलती थी पहले, यातायात के साधन यही हुआ करते थे पुराने जमाने के। अब तो चेंज हो गया। अब आपको बताइए पुराने जमाने के ग्रामोफोन है। अच्छा अच्छा। ये संगीत के लिए। अच्छा, ये चीज संगीत के लिए। इसको साफ करेंगे एकदम धवल हो जाएगी। चांदी की पिचकारी राजकुमारी के लिए, राजकुमार मतलब और रानियों के लिए, और ऊपर में छोटे छोटे राजकुमार के लिए। अच्छा। ये लैब है ऑस्ट्रिया का, मेड इन ऑस्ट्रिया। और ये गदर फिल्म के टेलीफोन दिखाया गया, इस तरह का टेलीफोन होता है। अच्छा अच्छा। रेडियो टैप रिकॉर्डर, ये पुराने जमाने के, पुराने जमाने के राजाओं को दिए गए यहाँ पे गिफ्ट के रूप में, राजाओं द्वारा गुरु जी को दिए गए। अच्छा। राजाओं ने अंग्रेजों से लिया था। ये अफीम की कुफिया है। अफीम पहले जमाने में राजस्थान के अफीम अभी भी खाई जाती है, लेकिन अभी इनलीगल है। पहले अफीम बहुत ज्यादा खाई जाती है। अफीम का खाने का सेवन का मतलब होता था कि बहुत ही हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क करने के लिए अफीम का मतलब तरोताजा रखने के लिए अफीम का सेवन करते थे।
सेकंड अफीम का बिजनेस होता था जिसका नाम था सिल्क रूट। जैसा कि मैंने पहले आप बताया था कि यहाँ से पाकिस्तान के रास्ते से व्यापार चलता था, तो अफीम भी खाते थे। ऊँट के ऊपर जब सवारी करते ना, अच्छा, ऊँट की पीठ पर सबसे पहले ये कपड़ा रखते, ये ऊँट की थुक के अंदर आ जाता है, फिर रखते गद्दे और फिर रखते कैमल सीट। अच्छा। तो मारवाड़ी में प्लान बोलते हैं, यहाँ का जो एक प्लान होता है जो पीतली प्लान होता था उसको बेस्ट क्वालिटी का प्लान माना जाता है, पीतली प्लान। अच्छा। राजाओं के पास में चांदी के प्लान होते थे, ये घोड़े की काठी, ये पानी का बादला, फिर कपड़ा बांधते थे, पानी ठंडा जाता था। अच्छा, ये है पगड़ियाँ। पगड़ी से आदमी की पहचान होती थी, कौन से एरिया का है, कौन से समाज का है। कलर से भी आदमी पहचान होती थी, कौन से कलर का कौन से लोग पहनते थे, ये आदमी की पहचान। ये कुछ रूपिट है जिसमें से पगड़ियाँ और दिखाए गए हैं जी। ये हमारे यहाँ के राजा बृजा सिंह जी, जो मैंने आपको पहले पैलेस में दिखाया था ना, बृजा सिंह जी, हाँ जी, एशिया के सबसे सुंदर राजा थे। अच्छा। इनका जो देश होने के बाद इनका जो लड़का बना है उसका फोटो ये है, बृजा सिंह जी। इस किले के मालिक ये है, और चैतन्य राज सिंह जी अभी ये कुंवारे हैं, इनका शादी नहीं हुआ है, लेकिन राजा इनको घोषित किया गया है। ये सिंहासन को कभी खाली नहीं रखा जाता है। यहाँ के राजा जो है चैतन्य राज सिंह, केसरिया पगड़ी बांधी हुई है, यहाँ के राजा केसरिया पगड़ी बांधते हैं, यहाँ के राजपूत पंचरंगी पगड़ी बांधते हैं। तो इससे मतलब ये पता चलता है कि इनके ये बांध दिया। ये पुराने ज़माने के गेम होते थे, और ये पंखे जो चाइना से लेके आते थे। जब सिल्क रूट चलता था उस समय, सिल्क रूट चलता था तो यहाँ से ये तीन चीजों का आजकल जैसे ड्राई फ्रूट, अफीम और सुपारी, जैसे में रेगिस्तान में नहीं होती है, तीनों चीजें नहीं होती है, लेकिन ये बाहर से आती थी तो मतलब उसको कटने के लिए इसका यूज करते थे। ये बाढ़ और बाढ़ होते थे, इसको शेर बोलते थे, एक शेर, दो शेर, पांच शेर, ये पांच शेर होती थी, शेर होता था पहले तोलने के लिए। पहले जमाने में एक किलोग्राम होता था ना, वो एक शेर कहलाता था, एक शेर। हाँ, लेकिन एक शेर में 800 ग्राम होते थे, 1000 ग्राम नहीं होता था। ताले और ये चाबियां, ये सब हाथ से बनते थे पहले, सभी हैंड मेड है पूरा। ये चाबी हाथ से बनती थी? अच्छा। और ये पुराने जमाने के ताले? जी, ये 1924 का एक लेटर है, देखिए, राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था, राजपूताना गजट अजमेर के नाम से पुराना लेटर था। अच्छा। ये प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, ये नॉन इलेक्ट्रिक प्रेस है जो कोयले से चलती है जी। और ये है तीन तरह के सिक्के, पुराने जमाने में राजाओं के समय के सिक्के इस तरह के होते थे। अच्छा। उसको डब्बू पैसा कहते थे, अखे शाही रुपए कहते थे, अखे शाही पीतल तांबा के बनते थे। उसके बाद नेक्स्ट सिक्के रखे, ये ब्रिटिश कालीन, जब ब्रिटिश शासन आया था उसका ये समय सिक्के चलते थे। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ादी से लेकर के आज तक सिक्के इसमें दिखाई गई, आज़ाद भारत के सिक्के, ये आज़ाद भारत के सिक्के। हाँ, कुछ इसमें बंद, ये नोट भी चलते थे, ये भी नोट चलते थे, इसमें कुछ बंद हो चुके, कुछ चल रहे हैं। ये स्टाम्प होता था लिखा पड़ी करने के लिए। अच्छा अच्छा, ये स्टाम्प होता था लिखा पड़ी। हाँ, जैसे 3 रुपये 8 आना, 4 रुपये 8 आना, ये होते थे। राजस्थान का एक वाद्य यंत्र है रावण हत्था, जिसको भोपा भोपी जाति के जो लोग उसको बजाते हैं। तो हमारे यहाँ के राजस्थान के लोग देवता जैसे रामदेव जी, पापू जी, और इसके जो गुणगान होते हैं गाए जाते हैं इस वाद्य यंत्र के साथ में, इसका नाम है रावण हत्था। रावण हत्था इसका नाम जी। अभी हमारे यहाँ पे जैसलमेर के सुगुणा राम ने एक वाद्य यंत्र बनाया है जिसको उन्होंने अपने ग्रीन बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। वो 9.5 फीट का रावण था बनाया उसने, 9.5 फीट लंबा, 9 फीट लंबा है वो, लंबा वो बनाया है, ये इस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये नीचे क्या है? ये सिंदूर वादक है। अच्छा, सिंदूर। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं जैसलमेर का स्वर्ण नगरी। अच्छा। सिटी व्यू पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, सोने की नगरी दिखाते हैं आपको। सोना है नहीं, सोने से कम नहीं, खो जाए कम नहीं। अभी अपन इस हवेली को देख के आए हैं, जो जो नीचे वाले जो कमरे हैं उसको देखते हुए, 4 मंजिला देखते हुए, देखते पूरा यहाँ का जो मतलब यहाँ का कल्चरल है यहाँ वो देखते हुए आए हैं। और ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ करके यहाँ सामने की तरफ ये राजा रानी का महल, जो आपने पहले से दिखा चुका मैं आपको जी जी, और वो है यहाँ का तालाब, गड़ीसर तालाब, गड़ीसर तालाब जी। यहाँ से आपको दूर दूर तक कोई मतलब बड़े मकान वगैरह ऐसे खेती बाड़ी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये मतलब रेगिस्तान है, खाली इलाका बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूर दूर देखिए आपको यहाँ विंड मिल नज़र आएंगे, विंड मिल,
जो यहाँ के जैसलमेर के अंदर जैसी बाहर की जो कंपनियाँ हैं वो आई है और स्टेट गवर्नमेंट ने इस कंपनियों को जो ज़मीन दी है वो लीज भी दी गई है और बहुत ज़्यादा मतलब कंपनियाँ चारों तरफ आप देखो दूर दूर तक आपको चारों तरफ से विंड मिल नज़र आएंगे जी। इसकी जो एनर्जी बनती है ये वापस जाकर कोटा में कोटा की तरफ जाती है और फिर वितरण प्रणाली जो होती है वो अलग अलग होती है। बहुत जगह कहते हैं इसमें सुजलोन और एनरकॉन और अडानी ग्रुप की भी कंपनी है। ये बहुत ज़्यादा मतलब एरिया बहुत ज़्यादा इसकी वजह से यहाँ पे खुली हवाएं चलती रहती है तो बहुत उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा सर, अभी आपने देखा है हवेली का टूर, हवेली का नाम है बाहरी हवेली, तो आपने इसको पूरी विजिट कर ली है और इसमें चार फ्लोर थे तो चार फ्लोर देख के अभी हमें टॉप व्यू पे। तो वैसे यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अपन न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।